नमस्कार तृप्ति जी, जी आपका हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँ कि आपका दरबारी कान्हड़ा जो हमने अभी सुना और आपका जो भजन अभी हमने काफी में सुना, हमें वो किसी और जगत में ले गया। हम इस जगत में नहीं थे, सच में वैकुंठ में आप लेकर चली गई हमें। आपको सिर्फ धन्यवाद ही नहीं बल्कि बधाई भी देना चाहूंगी कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस साधना की जरूरत होती है वो हमने आज देखा। मैं पूरी तरह से डूब गई थी, मुझे पता है हमारे सारे दर्शक भी इसी तरह से डूब गए होंगे। आपका मैं जय हो मैं खुद बताना चाहूंगी कि मैं खुद इतना सौभाग्यशाली लग रहा है मुझे कि विश्व रंग एंड इसके स्टेज पे मंच पर आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें मौका दिया एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। इनका जो विश्व रंग का जो पूरा नेटवर्क है, जो काम ये लोग कर रहे हैं, इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं भी रियली मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी प्रिविलेज टू परफॉर्म हियर तृप्ति जी, एंड आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे सभी दर्शक बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं, आपके सफर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके गायन के इस सफर के बारे में, सबके बारे में। मैं थोड़ा सा एक पहला सवाल जैसे आपसे शुरू कर रही हूँ, हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि आपके इस गायन के सफर की शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे आपके गुरुजी के साथ, पंडित जी के साथ मुलाकात हुई, किस तरह से आप इस रास्ते पर, इस ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी आप किस तरह से आगे बढ़ी? तो मानुषी जी जर्नी बहुत बचपन में, छोटी सी उम्र में माता पिता माँ बाबा ने शुरू करवाई। उन्हीं उनकी इच्छा थी कि हम बस सिर्फ गाना ही गाएं। और उन्होंने मेरे और जो गुरुजी के पास पहुंचने तक, मेरे और जो गुरुजन हैं गुरु उनके पास हमें ले गए। उन्होंने मुझे गुरुजी के पास आने के लिए उन सभी ने मुझे तैयार किया कि इतने बड़े इतनी बड़ी हस्ती के पास पहुंचना एक सपना तो सभी देखते हैं कि ऐसे नाम ऐसे गुरु के पास पहुंचना, उनसे सीखना, उनसे मार्गदर्शन लेना जिंदगी का। पर उसके लिए तैयार होना तो पड़ता है। सो वो रास्ता, वो तैयारी जो है, वो मेरे सारे गुरुओं ने किया। श्रीमती भारती कौर चौधरी, श्री सुनील दास जी, प्रसून बनर्जी जी, विदुषी शिप्रा बोस, सभी ने। तो मैं बहुत आभारी हूँ मेरे सारे गुरुओं के, माता पिता के। माता पिता के तो क्या आभारी, माता पिता के तो सब कुछ समर्पण है। सब गुरुओं के मैं रियली बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी तक पहुंचाया और उनसे मैं 1976 में मिली एंड तब से ही उनके साथ हूँ। 1976 में, बहुत जी पुरानी बात है, बहुत लंबा सफर गुरुजी के लम साथ आपका रहा। हाँ जी, तब तो कलकत्ता में थी, फिर जी जी 87 में मैं मूव हुई बम्बई में। पर जी तब तक जो मतलब कलकत्ते में ही जब वो आते हैं तब अच्छा, उनसे तो सीखते हैं और ऐसे तृप्ति जी, जुड़ेंगे। सवाल एक हम सभी का ये होगा कि हम जब देश से बाहर रहते हैं, तो क्योंकि अमेरिका में आप इतने सालों से हैं, तो कल्चर भी वहाँ का बिल्कुल भारतीय कल्चर तो नहीं मिलता हमें, मगर भारतीय शास्त्रीय संगीत के राह पर आगे बढ़ने के लिए जिस साधना की, जिस तरह से हमें एकदम पूरा ध्यान लगा के आगे बढ़ना होता है, वो यहाँ पर आपसे कैसे संभव हो सका? मुझे लगता है कि जरूर चुनौतियां तो रही होंगी, तो उन वो चुनौतियों को पार कैसे किया आपने और कैसे आपको लगता है कि आप इस पे आगे बढ़ पाए? चुनौतियां तो होती है, हर एक जर्नी में होती है। ऐसा अच्छा, इनके यहाँ पे लिखो, हाँ आप यहाँ रहेंगी तो मुझे अच्छा अच्छा लगेगा। जी, जरूर जरूर। आपने जो पूछा कि भारत से से बाहर बाहर जी उससे क्या फर्क पड़ता है, मानुषी जी, जो डेस्टिनी है वो आपको वहां पे ले जाके उठा जी के रखता है एंड देन वो आपके अगर कर्म भूमि बनता है
तो वो है वहां पे, आपको तो वो काम करना ही है। तो हम जहां रहे वहीं पे भारत को बना लिया। जी उसमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे कोई चीज भारत के बाहर रहे इसलिए कोई चीज रास्ते में नहीं आई। और चुनौतियां जैसे होता है, जैसे भारत में रहे तो भी हो सकता था। अच्छा जी तृप्ति जी, ये बहुत बड़ी बात है आपने जो भी कहा कि ये एक प्रेरणा वाली बात है कि हम कहीं भी क्यों ना रहें, अगर हमारी मंजिल, अगर हमारा गंतव्य हम जानते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है या किस राह पर चलना है, तो हम अपना मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और गुरुजी का एकदम हर एक स्टेप में उनका गाइडेंस है, जी उनके उसके बिना तो वो एकदम शील्डेड है हम लोग यहाँ पे, उनके उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से, उनके इसमें से। तो कोई जी रास्ता तृप्ति बहुत जी, मुश्किल नहीं। आप तो वरिष्ठ उनकी वरिष्ठ शिष्या रही हैं, तो मेवाती घराना, हमने अभी आपको सुना और नोम तोम का आलाप, ये सारा जो आप कर रही थी उसमें एक दिखता है कि एक स्पेशलिटी है जिसे कह लें आप। तो आप अगर हमारे सभी दर्शकों को और हमें, हम सब सीखने वालों को, जानने वालों को, अगर थोड़ा सा मेवाती घराने के बारे में बताएं कि मेवाती घराना अन्य घरानों से किस तरह से अलग है, और थोड़ा सा अगर डेमोन्स्ट्रेट भी करके अगर हमारे सभी दर्शकों को बता सके 2 मिनट के, किस तरह से, क्या बता पाएंगे? नहीं, कोई हर घराना घराना इस क्या है, एक एक घर, एक एक स्टाइल, एक एक स्कूल, हर एक घराने की, हर एक स्कूल के स्टाइल का एक एक अपना अपना विशिष्टता होती है ना। तो अपने घर की जो है ना, बहुत भाव प्रधान गाना है मेवाती घर की। जी और मैंने आज जो आलापचारी की जी वो की, क्योंकि तबले का संगत नहीं था, जी तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा आलापचारी करती हूँ। पता नहीं ऐसे मन में आया तो मैंने वो किया। वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है बंदिश की, हमारी शब्द बहुत ही उच्च कोटि के हिंदी के शब्द होते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से कंपोज्ड है। गुरुजी के कंपोजिशन ही हम मैं ज्यादा से ज्यादा वही गाती हूँ, जो गुरुजी के ही कॉम्पोजिशंस बहुत ब्यूटीफुल। एक एक बंदिश गा लो तो उसमें पूरा राग उसमें वो हो जाता है, जी मतलब उसका पूरा विस्तार हो जाता है, राग राग का पूरी राग उसमें गाया जाता है। मेवाती घर की यही विशिष्टता है कि बहुत भावपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि तैयारी तान सरगम सब नहीं दिखाते, पर मुझे, मेरे पर्सनली मुझे जो दिल को छूता है कि हमारे भाव प्रधान जो विस्तार अंग, वो मुझे छूता है। और मैं उसमें से, जैसे मुझे लगता है मैं उसमें से बाहर ही ना जाऊं। आप जब गा रही थी, मेरा मैंने बिल्कुल यही देखा, आप तो थी ही पूरी तरह से डूबी हुई, जिस तरह से गा रही थी, पूरा सारा जो माहौल था, हम जो सुन रहे थे वर्चुअल वर्ल्ड में भी, हमें ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पर पहुंच गए हैं और हम सुन रहे हैं। थैंक यू। पर वही कि भक्ति भक्ति मार्ग है, भक्ति बहुत प्रधान है, गाना बहुत भक्ति प्रधान है। मैं कंपैरिजन क्यों करना है कोई और घराने से, पर हम सिर्फ हमारे घर की जो मुझे जो जो मतलब जो एलिमेंट कह जी सकते हैं, जो मुझे, मैं उस पे कनेक्ट होती हूँ हमेशा। जब भी सुर लगाते हैं तो वो एक मेडिटेशन होता है मेरे लिए। मेडिटेशन तो जी ये हमारे मेवाती घर की एक अलग विशिष्टता है। जी जी मैं जानती हूँ कि आप यहाँ यूएसए में डायरेक्टर हैं, निर्देशिका हैं, पंडित जसराज म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है हमारा यूएसए में, वहाँ 3 जगह पर, न्यूजर्सी, पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क में पिट्सबर्ग, हाँ जी, जी और इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट हैं, मुझे पता है कि टोरंटो, कनाडा, वैंकूवर, कई जगह और भी वैंकूवर अमेरिका। है, टैंपा है, फ्लोरिडा टैंपा है, अटलांटा जॉर्जिया में है, जी तो वैंकूवर। आप, हम सभी को जिज्ञासा भी है, और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, मगर और सभी के लिए कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये सब तक हिंद भारतीय संस्कृति को पहुंचा रहा है, और एक परंपरा होती है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जैसे हम कहते हैं गुरुकुल परंपरा, तो क्या गुरुकुल परंपरा
गुरु शिष्य परंपरा जो जिसको बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत के जगत में, क्या इसी पद्धति के द्वारा यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है? एब्सोल्युटली, वो ये है कि जैसे पहले गुरु के आश्रम में जाते, मतलब उनके घर में ही जाके रहते हैं, और वो पूरा टोटली 100% वो तो नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे उस इंडिया में जब ये गुरुकुल सिस्टम है या जहां जहां है वो लोग सिर्फ म्यूजिक ही करते हैं, यहाँ पे एक अपना ये दिस इज अ सेकंड प्रोफेशन ये कह सकते हैं, बहुत लोगों के लिए इट्स सेकंड थिंग, बट बहुत इम्पोर्टेंट करी अपनी जिंदगी के लिए, पार्ट ऑफ देयर लाइफ जी। सो यहाँ पे ये नहीं हो पाता है कि वो पूरा घर छोड़ के वहीं पे गुरु के पास ही जाके रहे पूरी जिंदगी और शिक्षा पूर्ण करें, पूर्ण तो कभी होता ही नहीं है। सो पर हमारे पास तो एक्चुअली हमारे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, रहते हैं यहीं पे, मतलब रहते हैं, खाना पीना सब कुछ यहीं पे होता है, दूर से भी बाहर से जब आते हैं आउट स्टेशन से तब भी यहीं पे रहते हैं, तो जितना हो सके वो चीज। बाकी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत सारे वैल्यूज है, वो उससे भी उसको इंटरप्रेट आप कर सकते हैं, तो ये सब बहुत संस्कारी है, सारे वो वैल्यूज मैं उनको समझाने की कोशिश करी, देने की कोशिश करी, मतलब इम्पार्ट करने की कोशिश करी, बहुत श्रद्धा से, बहुत ही श्रद्धा है सबको। सो हाँ यस, गुरु शिष्य परंपरा का तो सब हम सभी नियम जितना हो सके पालन करते हैं जी। तो अगर अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ये वर्चुअल एक तरह से सब कह रहे हैं न्यू नॉर्मल होने लगा है, ये सभी अब जैसे कि हम भी बातचीत कर रहे हैं, ये हम पहले कहाँ करते थे, हम सिर्फ टीवी पर ही देखते थे कि किस तरह न्यूज एंकर्स जो हैं वो जाते हैं और वो बातचीत करते हैं इस तरह, लेकिन आज ये आम बात होने लग गई है। तो क्या पंडित जसराज म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है वो भी इस तरह से कुछ सोच रही है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से लोगों तक सब तक पहुंचाया जाए? है तो सही, पर सीखने वाली जहां की जब तक की बात है वो एक ना गुरु के समक्ष बैठने की, आने की सामने, क्योंकि ये वर्चुअल में एक चीज है कि आप बहुत चीजें जो है वो सामने गुरु के सामने बैठ के ही आप सीख सकते हैं, पर अभी जो जो सिचुएशन है उसकी वजह से हमें ये इस माध्यम का सहारा लेना पड़ा, ये भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है कि इतना इसका दायरा बढ़ गया है, जैसे आपने कहा कि हम लोग तो अभी बात कहाँ करते थे, ऐसे तो थोड़ी ना मिल पाते थे। सो ऐसे सही मानों पे तो मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम जो है वो साकार हो गया है। तो ये माध्यम तो रहेगा, ये माध्यम है, मुझे मालूम है पहले जैसे जिसको हम पहले के हमारा नॉर्मल जो लाइफ हमारी थी इस साल से पहले वो वापस आएगा, कभी ना कभी सब कुछ वैसे ही होगा, चलेगा, सब आना जाना फिर से होगा, बट ये जो वर्चुअल जो एक दुनिया, पूरी एक अलग ही दुनिया खुल गई है सबके सामने, उजागर हो गई है, वो तो कभी अभी और जाने वाला नहीं है, वो तो रहेगा। तो इससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, बिकॉज आपको ट्रैवल करके जाना, वो समय आप इसमें दे सकते हो, सो अपनी शिक्षण पे दे सकते हो, अपनी पढ़ाई में दे सकते हो, अपनी रियाज में दे सकते हो, सोच में दे सकते हो, मनन चिंतन में दे सकते हो, सो ये तो बहुत सुंदर है। ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ तक कि आजकल तो स्कूल भी वर्चुअल होने लगे हैं जिसकी हम पहले कल्पना ही नहीं कर पाते थे, मगर सभी टीचर्स सभी लोग इस तरह से पढ़ा पा रहे हैं, तो वो एक तरह से तो एडिशन है जिसे हम कहते हैं। और एक बात है कि पहले शुरुआत में जब मार्च अप्रैल में इस साल के जब ये पता चला कि हमको यही रास्ता लेना है, तब ठीक समझ में नहीं आता था कैसे हैंडल करें, धीरे 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 कितने सारे तरीका है, कितने सारे एडजस्टमेंट, सब नॉर्मल लगने लगे हैं, सो वो सब निकल आया है, रास्ता निकल आया है, सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो गायन क्यों नहीं और म्यूजिक क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आज हमारे साथ तबला, मैं
कोई किसी को यहाँ पे बुला नहीं पाई, घर पे कोई आ नहीं पाए, तो मैं विदाउट तबला गाना पड़ा मुझे। पर धीरे धीरे उसकी भी सावधानी लेके कोई आएगा तो हम यहीं पे कर सकेंगे, उनको बुला पाएंगे। तो स्लोली स्लोली वो सब जो एक बैरियर है वो सब हम उसको पार कर जाएंगे। पर शिक्षा के मामले में गुरु के सामने तो आना तो पड़ेगा। मेरे मेरा मैं मतलब घर तो खुला है सबके लिए, जब सब सेफ फील करेंगे सब जरूर आएंगे और जरूर वैसे पहले के जैसे। तृप्ति जी, हम फिर से थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करें। हवेली संगीत, मैं जानती हूं कि पंडित जी और पंडित जी के सभी शिष्य, आप सभी ने हवेली संगीत को बहुत आगे बढ़ाया है। और हवेली संगीत एक उसका जो मूल रूप है उसको लाने की कोशिश की है, जो कि लुप्त होता जा रहा था। हमारे बहुत से दर्शक शायद नहीं जानते होंगे कि हवेली संगीत है क्या। आप थोड़ा सा हवेली संगीत के बारे में बताएं और थोड़ा सा अगर डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताएं। जी जरूर जरूर। हवेली संगीत जो है, मैं अगर जानती ना तो मैं एक हवेली संगीत गाती, मैं प्रस्तुत करती, ओहो, मुझे कोई कोई पता बात नहीं, अब नहीं। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा सुनाए तो हम सब तो हमारे लिए आशीर्वाद है। हवेली संगीत जो है वो 500 500 से 500 550 साल पहले का जी है। और जो हवेली में जो गाए जाते हैं जो भगवान के सामने, जो भी कारण है उस समय पे मंदिरों से भगवान को, मेनली कृष्ण जी को ले आके घर में जो पूजा करते हैं, हवेली में रख के जो गाते हैं थे, उनकी सेवा करते थे। वो धीरे धीरे वो पूरा उसका ठीक से सिस्टमेटिक हुआ। वो इसको पुष्टिमार्गीय संगीत भी कहते हैं। तो आठ अच्छा कवियां हैं जिनके अच्छा रचना ही इसमें गाए जाते हैं। और जो हमारे आठ प्रहर है वो श्रीनाथ जी के आठ सेवा है। तो वो सारी सेवाएं जो है ये हवेली संगीत से ही किया जाता है। वहां पे मंत्र शायद जितना नहीं कहता होगा, बट म्यूजिक उस समय के उस जैसे शुभ मंगलाचरण है तो मंगलाचरण के ही पद होंगे, जी जी भोजन है तो भोजन के ही पद होंगे, अच्छा शयन है तो शयन के ही पद होंगे, राजभोग है तो राजभोग के ही पद होंगे। ये विशेष विशेष समय के उनकी पूजा ये विशेष पद के द्वारा ही किया जाता है। तो अच्छा उनके लिए आठ कवियां जो है उन्हीं के पद को ये हवेली संगीत नाम दिया, जो शुरुआत में ये हवेली में सब लोगों ने अपने अपने हवेली में करते थे। हाँ बिल्कुल ये लुप्त होते जा रहा था, पर इसमें बहुत बहुत बड़ा काम जो है मेरे गुरुजी ने किया। जी उन्होंने पूरा इसको रिवाइव किया, उन्होंने लेके और फिर उसका प्रचार किया और उसको उसको पॉपुलराइज किया। और ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक एक हवेली संगीत जैसे ठुमरी है, भजन है, ख्याल है, द्रुपद है, एक एक पूरी एक शैली है जी जी हवेली संगीत का। जी तो बहुत ब्यूटीफुल है वो। हर एक क्लासिकल कोई राग के ऊपर निर्धारित होता है, उसमें सब कुछ होता है, बट थोड़ा सा ख्याल अंग से थोड़ा अलग है भी राग बेस्ड है, बट देन थोड़ा थोड़ा भजन भी नहीं है। इसके इन बिटवीन कुछ है। सा ध्रुपद अंग जैसा आता है बिल्कुल ध्रुपद शायद। अंग भी है उसमें, बिल्कुल। और बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है हवेली आप संगीत का थोड़ा सा ये। सुनाए हाँ हमारे दर्शकों जी को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। गुरुजी ने बहुत काम किया इसमें, उसको कंप्लीटली रिवाइव किया है गुरुजी ने। एंड उसके बाद एज उनके डिसाइपल्स हम सब उसको आगे बढ़ा रहे उसका हैं। अनुसरण कर रहे हैं। हाँ जी मैं थोड़ा सा सुनाती जी हूँ जरूर जरूर, आप बिल्कुल एक सुनाए। हवेली संगीत का पद। लाल गोपाल लाल गोपाल
क्या बात। क्या बात। तृप्ति जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर एकदम। मैं एक बात और हवेली संगीत के बारे हाँ में कहना जरूर चाहती हूँ जरूर कि हवेली संगीत के जो कवियां हैं, जी उन्होंने जो रचनाएं, उनकी कवि कविताएं जो लिखी हैं, एक तो स्पिरिचुअल है, भक्ति भाव है, और ये सब उनके ना एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है। ये कवि की इमेजिनेशन नहीं है, ये उनकी उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस है सारे कवियों की। इसकी कुछ बात ही अलग है। कॉम्पोजिशंस कैसे हुई, जैसे जो उनका जो सुर है या जो किस राग में है, ये सब भी पहले से बना हुआ है या हम जो संगीतज्ञ हैं वो इसको। हाँ, वो एक्चुअली राग लिखा हुआ है, जो कीर्तन संग्रह है हाँ जी उसमें राग राग इसमें निर्धारित किया रखा है, पर जो मतलब कोई और राग में गाना हो तो उसमें कोई ऐसी बाधाएं भी नहीं है। जी अच्छा जी। अभी तृप्ति जी आपसे मैं बात कर रही हूं तो समझ में आता है हम सबको कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत एक साधना है, पूरी तरह से डूब कर की जाने वाली साधना। लेकिन हम जैसे कि मेरा एक सवाल थोड़ा सा हटके मुझे दिमाग में आ रहा है कि हम आजकल जैसा देखते हैं कि इतने रियलिटी शोज होते हैं, चाहे तो टीवी पर होते हैं, आजकल इस वर्चुअल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा होते हैं, और आप जानती हैं कि किस तरह से इतने टैलेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक और उससे भी बड़ों तक सबका टैलेंट आज बाहर बहुत आसानी से हम आ रहा है, देख पा रहे हैं। मगर सबको एक जैसे हमें ऐसा लगता है कि सबको स्टेज पाना है, सबको सबको खुद को बताना है कि हाँ उनमें जो टैलेंट है। आप गुरु के रूप में आपको क्या लगता है कि एक शिष्य कब तैयार होता है कि वो एक परफॉर्मर बने, वो जाकर सबको अपने संगीत सुनाए, सब तक पहुंचाए? जो साधना तो खैर सभी को करना ही पड़ता है, सुर की साधना तो करनी पड़ती है। अदरवाइज आप जो आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसकी लाइफ बहुत छोटी है। साधना तो करनी पड़ती है, रियाज तो करनी पड़ती है। और एक जो ट्रेडिशनल एक गुरु शिष्य परंपरा की एक जो बात है, उसमें है कि गुरु आपको आपको बताएंगे कि आप कब बाहर जा सकते हो, उनकी परमिशन चाहिए होता है। तो वो टाइम तक आपको सिर्फ उनके निर्देश में सीखते जाना है, रियाज करते जाना है, अपना अपने गाने को तराशते जाना है और करते जाना है। और अभी भी मुझे लगता है कि ऐसा हाँ बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड कोई उनको देखते हैं, पर उनका कितना दायरा है नहीं मालूम अपने को। और दूसरी बात,
जो रियाज करना है, जो साधना करना है, वो तो अपने घर में बैठ के साधना कर ही रहे हैं, हमको उसका पता चलता नहीं है। अभी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं जो अपने गुरु की आज्ञा को मान के वो बिल्कुल साधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साधना कोई नहीं, वो हमें दिखते नहीं है बिकॉज उनको शायद अभी भी गुरु का परमिशन नहीं मिला कि आप बाहर जाके जी अपने आप को तैयार करो ताकि आपकी पूरी जीवन पूरा जीवन चले। जी, तो आपका मानना क्या है कि ये जो हो रहे हैं जहां पर बच्चे से लेकर हर कोई स्टेज पे इमीडिएटली एक बहुत जल्दीबाजी में एक नाम पा लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है, पर शायद ऐसा ना हो, लेकिन वही आप क्या सोचती हैं कि होना चाहिए? ठीक है, जाए बच्चे खुद अपने आप को परफॉर्म भी करें और साथ में साधना भी चलती रहे, या नहीं साधना पहले? वो होना चाहिए। अब देखिए, इन बच्चों की जो जैसा जमाना है, हमारे पहले के जमाने में वो ये एक्सपोजर था नहीं, अभी तो ये सोशल मीडिया जो इतना एक्सपोजर है, इतना एक्सपोजर है, सब लोग उसी में लगे रहते, जमाने जमाने की बात है। सो मुझे लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए आपके समय पे वो एक्सपोजर का जमाना है तो आप वो अवेल करते हो, पर एट द सेम टाइम सीखना और पेशेंस रखना और रियाज करना और साधना और गुरु के कोई एक गुरु के अंडर में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने जैसे कहा कि बहुत छोटा लाइफ स्पैन उसका, बहुत छोटा। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने तृप्ति जी। मैं आपसे एक छोटा सा और थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल पूछना चाहूंगी कि देखा है हमने कि जब गुरु जी कॉन्सर्ट्स किया करते थे तो उनमें वो तराना एक गाकर खत्म करते थे या तराना गाते थे, क्या इसकी कोई वजह थी? नहीं, वो गाते हैं अभी भी। वो है कि वो उनके उनके साथ और उनके उनके भांजे पंडित रतन मोहन शर्मा जी अगर है तो वो जरूर एक तराना गाते हैं बिकॉज वो बहुत सुंदर गाते हैं तराना, तो उनको बहुत मजा आता है स्टेज पे जो उनके साथ वो साथ संगत करते हैं। एट सम पॉइंट वो हैंड ओवर ही कर देते हैं, गुरु जी रतन जी को हैंड ओवर ही कर देते हैं। तो नहीं, क्या मतलब, वही उनको मजा तो वही आता है, रतन जी होते हैं तो ही तराना। जी, हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी आप क्या दो लाइन तराना सुनाकर हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? स्थाई मैं इतना तराना नहीं कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं पूछ रही थी कि अगर सुना सके। मैं सिखा देती हूँ। आपको बोला ना पहले कि मेरा ध्यान जो है ना, मेरा मन वो विस्तार अंग के बाहर जाता ही नहीं है। जी जी जी, मेरा दिल, मेरा मेरी आत्मा सब उसी में ही रहता है और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। पता नहीं तृप्ति जी, मुझे आप फिर अपने पसंद का आपको जो बहुत अच्छा लगता है आप अगर हमें सभी दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि हमारे पास अब वक्त खत्म हो रहा है तो हम आपके उसी के साथ खत्म करेंगे। तृप्ति जी, मैं एक थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगी कि आप जब तानपुरा बजा रही है ना तो वो क्योंकि इंटरफेस की वजह से आपकी आवाज कट जा रही है, तानपुरे को जरा हम थोड़ा दूर की तरफ रखें तो फिर शायद मेरे ख्याल से। एक मेरे गुरुजी का एक की लिखी हुई जी, जो गुरु के बारे में है, जरूर उसका सार है एकदम बिल्कुल। हाँ, बहुत हल्के से तानपुरा जिससे हाँ, की आवाज का होना हो। नीचे नीचे रखो, नीचे। हाँ, यहाँ ये वर्चुअल वर्ल्ड में यही सारा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, ये थोड़ा सा वो भी देखिएगा, ये सब ओवरकम कर लेंगे सब। आजकल के बच्चे बहुत तेज है एंड देयर, मैंने सुना है कि बहुत जगह इस पे काम हो रहा है जी, समथिंग विल कम अप एंड देन ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब भी ओवरकम हो जाएगा जी। गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए,
आज्ञा में निस दिन रही, जो गुरु चाहे सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन गुरु की महिमा अपरंपार, अक्षर हरत विहार मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा रज मस्त धरी, क्या बात, गुरु चरण रज मस्त धरी, भव सागर हस हस के तरी, गुरु आज्ञा में निस दिन रही, गुरु आज्ञा में निस दिन रही, निस दिन रही, निस दिन रही। क्या बात है, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ आपने बातचीत की। हमारे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हैं, मैं मंत्रमुग्ध हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों का, आप सभी लोगों का, सभी का विश्व रंग में, झिलमिल में, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।